दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो रेव्स पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ये कार जो कि दी ब्रांड न्यू BMW X1 S ड्राइव 18D M स्पोर्ट वेरिएंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें मुझे इस कार के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी चीज़ें थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार बाइक स्कूटर आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल वो डेफिनेटली मुझे बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपका भाई उस पर वीडियो बना देगा। बाय द वे इस कार का डिटेल वॉकराउंड मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया चैनल पर, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द X1, दैट इज द इंजन ऑप्शन। इस कार में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, पेट्रोल एंड डीजल इंजन आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। कौन से पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है वो आपको क्विकली बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको जो है इसका इंजन बे में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है इसको दो बार पुल करना पड़ेगा और आपका जो है इंजन बे यहाँ पे ओपन हो जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको मिलता है तो ये जो है कोई हिस्से से ओपन हो जाएगा। अब पेट्रोल इंजन जो है आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि बनाता है 137.88 PS की पार एंड 230 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। लेकिन ये जो है ये डीजल इंजन है, पेट्रोल नहीं है। दिस द 18D वेरियंट। तो यहाँ पे आपको जो है 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने में मिल जाता है जो कि बना करके देता है 152 PS की पार और 360 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बाकी सारे अगर आप कार्स देखेंगे तो कुछ कार्स में आपको डीजल इंजन नहीं मिलता है, सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है। इस कार में आपको डीजल इंजन भी मिलता है, सो दैट्स अ एडवांटेज फॉर शॉर्ट। एंड अब चलते हैं सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, विच इज अगेन द इंजन। अब ये इंजन जो है 2 लीटर का डीजल इंजन, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और माइलेज भी बेहतरीन डिलीवर कर देता है। तो सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब यहाँ पे आपको जो इंसुलेशन मटेरियल भी दिया गया है। इस इंजन का मैं जो है क्विकली आपको साउंड सुनाता हूँ, कार के अंदर चलता है और मैं आपको जो है आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये इंजन किस तरह का साउंड करता है। जब इसको भगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी ये साउंड करता है फॉर श्योर। तो यहाँ पे इंटीरियर बाय द वे चेकआउट कर लीजिए आप, कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको जो है देखने के मिल जाएगा। इट इज़ अ BMW, सो बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ ये कार आती है। अब यहाँ पे आपको जो एक बटन देखने मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे आप कार स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हो जाती है। आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके रिफाइनमेंट को जो है 10 में से कितने मार्क्स देंगे। इस वक्त कार स्टार्ट है एंड आप मुझे बताइए कि आपको जो है कितना साउंड आ रहा है इनसाइड द कैबिन। अब मैं आपको जो ये आइडल था अब जो है थोड़ा रेव करके सुनाता हूँ कि इस तरह का ये स्पोर्टी साउंड ये इंजन जो है वो देता है आपको। तो ये इस इंजन जो है कुछ इस तरह का साउंड करता है। सो दिस इज द सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार, विच इज द हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड द हैंडलिंग। हाई स्पीड स्टेबिलिटी कमाल की आपको मिलती है, गाड़ी चिपक कर चलती है रोड के साथ और जो है आपकी जो हैंडलिंग है स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, काफी चंकी स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और जो है इसका फील एंड फीडबैक जो है वो काफी शानदार मिलता है। अराउंड द कॉर्नर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ये कार फील कराती है और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो वे अप भी काफी ब्रिलियंटली कर लेता है। सो दिस इज द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार, द हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड द हैंडलिंग जो है वो कमाल की शानदार आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार। बाय द वे इस कार में आपको जो है यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स भी देखने मिल जाता है। तो एक्टिव प्री कूलिंग आप कर सकते हो, प्री कूलिंग कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। जैसे आप कार स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ आपको ये दिखा देता है। बाकी इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके लिए आप वॉक अराउंड चेक कर सकते हो और जो परफॉर्मेंस है वो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने मिल जाएगा। 0-100 कितने सेकंड में करती है, ब्रेकिंग किस तरह की मिलती है वो आप जो है चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार, विच इज द बूट स्पेस ऑफ द कार। तो यहाँ पे मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ कि किस तरह का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो चाबी पे बाय द वे चाबी के साथ उसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई इस तरह की आपको चाबी निकलने मिल जाएगी। ये लॉक के लिए बटन दिया गया, BMW का लोगो जो है वो दैट इज द लॉक बटन राइट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक के लिए बटन दिया गया, बूट रिलीज करने के लिए और ये लाइट्स के लिए बटन दिया गया है। यहाँ से आप जो है इसका टेल गेट को इस तरह से रिलीज कर सकते हो।
476 लीटर्स का यहाँ पे आपको जो है स्पेस देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह से। और 40-20-40 स्प्लिट सीट आपको मिलती है यहाँ पे, देयर इज सम स्पेस हियर, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है, चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लाइट मिल जाती है, इसके नीचे आपका स्पेयर व्हील रखा गया है। एंड 135/80 R17 का टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको टूल किट देखने के लिए मिल जाएगा और क्लोज करने के लिए यहाँ से आप जो बटन दबा के इसको जो है वो क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं, बाय द वे इसको जो आप टंबल कर लेंगे सीट्स को तो जो है कुछ 15-27 लीटर्स के आसपास का स्पेस जो है वो आपको बना करके ये कार दे देती है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आपको देखने मिल जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार विच इज द ब्रांड टैग। अगर आपको BMW का लोगो आपकी गाड़ी के ऊपर चाहिए तो आपको जो है इस कार को खरीदना चाहिए। अगर आपको एक स्टाइल स्टेटमेंट मारना है, अगर आपको ये चाहिए कि आप जैसे ही गाड़ी लेके निकलो तो लोग जो है आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखे, देन यू नीड टू गो विथ द BMW लोगो। सो ब्रांड टैग जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार। अब बात करते हैं अबाउट द फाइनल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कार विच इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द कार। ब्रेकिंग जो है वो कमाल की आपको देखने के लिए मिल जाती है। द कार स्टॉप्स इन इट्स लाइन और जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं आपको मिलता है, ब्रेकिंग शानदार दी गई है। सो सेफ्टी वाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ESP, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स देखने में मिल जाएंगे। एंड या दैट्स मच अबाउट इट। अब गाइस बात करते हैं अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द कार, क्या चीज़ है जो कि थोड़ी और बेटर हो सकती थी इस कार के साथ, क्या चीज़ है जो कि मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई विथ द BMW X1, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इस कार का, दैट इज़ द सेकेंड रो स्पेस। अब यहाँ पे कोई इतना स्पेस आपको देखने मिल जाता है फॉर योर रेफरेंस, मेरी हाइट है 5'6" की और यहाँ पे मैंने ड्राइवर सीट ऑब्वियसली मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली मेरे कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने जो एडजस्ट की है। अब यहाँ पे स्पेस जैसे कि आप देख सकते हो 5'6" के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा नी रूम आपको मिलता है, पैर आप स्ट्रेच कर सकते हो बिलो ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर सीट। लेकिन अंडर दाई सपोर्ट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वो लैकिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, हेडरूम काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप टॉल हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्पेस जो है वो उतना ज़्यादा ना मिले कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट एट विच द कार इज अवेलेबल। यहाँ पे आपको जो है आपका मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैगजीन होल्डर दिया गया है। अब बात करते हैं अबाउट द शोल्डर रूम, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कार बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक बड़ा सा हम्प यहाँ पे दिया गया है तो मिडिल पैसेंजर को जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पैर रख के कुछ इस तरह से। तो जो है दिस कार इज़ बेस्ट फॉर 2 पीपल एट द बैक, तो यहाँ पे 2 लोग आराम से जो है बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है तो आप बॉस की तरह यहाँ पे बैठ सकते हो एंड यू कैन बेसिकली एंजॉय द व्यू आउट देयर। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द कार कि आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पेस इस कार में नहीं मिलती है। सेकंड जो ड्रॉबैक है दैट आर द सीट्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंटर पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट आपको मिलता है लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ पे काफ़ी हार्ड आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो सीट्स जो है थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे हिसाब से हो सकती है, थोड़ा और बेटर कुशनिंग के साथ ये सीट्स अगर होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता था। सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द कार। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ द कार विच इज द स्टिफ राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी जो है इस कार की, जब आप खराब सड़कों से इस कार को लेकर के जाएंगे तो जो है आपको थोड़ा धीरे लेकर के जाना पड़ेगा। राइड क्वालिटी जो है वो एक्सट्रीमली स्टिफ नहीं है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन आप जब खराब रास्तों से जाएंगे तो आपको धीरे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फील अ लॉट इनसाइड द कैबिन। सो जो स्टिफ राइड क्वालिटी है, स्लाइटली स्टिफ राइड क्वालिटी है, उसको जो है आपको ध्यान में रखते हुए इस कार को चलाना पड़ेगा। ये स्टिफ राइड क्वालिटी खराब सड़कों पे जब आपको जो है कंफर्ट उतना नहीं प्रोवाइड करती है, एट द सेम टाइम यही स्टिफ राइड क्वालिटी के कारण इस कार को जो है वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो मिल जाती है। सो एक तरह से अच्छी बात है, एक तरह से वही चीज़ जो है वो ड्रॉबैक में या नेगेटिव पॉइंट में बदल जाती है। यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है, यहाँ पे आपको हैंडल बार विद अ हुक एंड अ लाइट प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट इट, यहाँ पे हुक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द कार। सो गाइस अब बात कर लेते अबाउट द फाइनल ड्रॉबैक ऑफ द कार, तो उसके लिए मुझे आगे की सीट्स पे जाना पड़ेगा तो वो मैं आपको जो है जाके दिखा देता हूँ कि क्या है इस कार का फाइनल ड्रॉबैक। सो गाइस अब बात कर लेते अबाउट द फाइनल ड्रॉबैक ऑफ द कार
विच इज द लैक ऑफ अ फ्यू फीचर्स। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है ये पार्किंग के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब इस कार में आपको जो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा दिया गया है एट द बैक, और यहाँ पे कोई इस तरह से ये क्वालिटी देता है, क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने मिल जाती है। सेंसर्स जो वो आगे दिए गए हैं, पीछे दिए गए हैं, सो पार्किंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 360 डिग्री कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली अवेलेबल होना चाहिए था। सो ये चीज जो है मेरे हिसाब से और थोड़ी बेटर हो सकती थी। सेकंड जो इसमें आपको फीचर नहीं मिलता है, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। इस कार में ADAS के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ADAS के फीचर्स कहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे मेन्यू में आपको जाना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है ड्राइविंग सेटिंग्स में आपको जाना है, ड्राइवर असिस्टेंस में जाना है, सेफ्टी एंड वार्निंग में जाना है। अभी आप आपको जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग, आपको जो एक शेक मिलता है ऑन द स्टेयरिंग व्हील जैसे ही आपकी कार जो है वो लेन से हटती, और अटेंटिवनेस असिस्टेंट भी आपको देखने मिल जाता है। ये ADAS के फीचर्स है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन यानी कि आपको अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में है तो मिरर में ये जो है वो किसी भी तरह का नोटिफाई आपको जो है वो नहीं करता है। सो ये फीचर डेफिनेटली होना चाहिए था। और जो थर्ड फीचर इस कार में मिसिंग है, दैट इज द हेड्सअप डिस्प्ले। यहाँ पे किसी भी तरह का हेड्सअप डिस्प्ले आपको जो है स्क्रीन नहीं दी गई है, या आपको जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करता है ऑन टू द विंडस्क्रीन। तो ये फीचर्स जो है वो यहाँ पे लैकिंग आपको मिलते हैं। सो गाइज, ये था एक डिटेल्ड वीडियो ऑफ द BMW X1 की क्या चीज़ है जो कि मुझे इस कार के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और क्या चीज़ है जो कि थोड़ी और मेरे हिसाब से बेटर हो सकती थी इस कार के बारे में। सो दीज वेर द थिंग्स, एंड बाय द वे फीचर्स आपको जो है देखने हैं तो आप जो है वॉक अराउंड का वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पहले भी मैंने आपको जो है दे दिया था। और यहाँ पे हॉर्न जो है कुछ तरह का साउंड करता है, यहाँ पे आपको जो है पेडल शिफ्टर्स देखने में मिल जाता है, कोई इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाता है, आपको एम्बियंट लाइट मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ देखने में मिल जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।